हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग इयर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो एन दिस इज द न्यू रेड हॉट एसयूवी फॉर द इंडियन मार्केट एंड देर इज नथिंग क्वाइट लाइक इट एंड लेट मी से दिस व्हेन महिंद्रा यूज टू से दैट नथिंग एल्स विल डू फॉर द ओल्ड स्कॉर्पियो इट स्टेज ट्रू इवन टूडे विद दिस बिकॉज इस तरह की बॉडी ऑन लैडर एस एट दिस प्राइस रेंज विथ फोर व्हील ड्राइव और कोई भी नहीं है सो दिस इज गोइंग टू बी द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ दिस सेगमेंट एंड इट हैज ग्रोन इन साइज इट इज लार्जर दैन एवर इट इज मोर लग्जूरियस दैन एवर एंड ऑल्सो इट इज नाउ मोर सेफर देन एवर महिंद्रा के इस नए स्कॉर्पियो एन की कीमत शुरू होती है फ्रॉम रुपीज इलेवन लैख नाइंटी नाइन थाउजेंड एक्स शोरूम आप इस गाड़ी के पेट्रोल मैनुअल पेट्रोल ऑटोमैटिक डीजल मैनुअल डीजल ऑटोमैटिक डीजल फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव ऐसे वेरिएंट्स खरीद सकते हो एंड देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लिस्ट विच यू कैन पिक विच एवर सूट्स योर रिक्वायरमेंट एंड देन यू कैन ब्रिंग होम दिस न्यू स्कॉर्पियो एन बट द प्राइसिंग अनाउंसड Is introductory so only the first 25,000 customers are going to get the benefit of this price tag. This new Mahindra Scorpio N Hamne exterior design review video upload hai. Now we have this the interior review video. We also have a review video for the diesel automatic. We have a separate review video for the petrol automatic, and we also have uploaded वीडियो वेर वी टॉक अबाउट दोड अबिलिटीज ऑफ दिस ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एंड ऑल्सो वी स्पेंड समाइम इन द बैक सीट ऑफ द कैप्टन सीट वेरियंट ऑफ दिस स्कॉर्पियो एन टू टेल यू इफ दिस इज अ गुड शॉफर ड्रिविन वहीकल क्या आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो अगर आपको बैक सीट में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है तो चलिए अभी बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में मेरी हाइट है फाइव फीट एट इंचज एंड This is how tall this Mahindra Scorpio N is. It is a body on ladder construction and it is super butch and brawny and it does show off its muscle because just look at the sheer size. Everything else in this particular price range looks tiny in front of this Mahindra Scorpio N. Even the new Tata Safari, the new age Tata Safari, which is now on sale, it डेंट लुक एज बोल्ड एंड एज बिग एज दिस स्कॉर्पियो एन तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट ऑन व्हील्स चाहिए अगर आपको एक प्रॉपर एस यू वी चाहिए विथ फोर व्हील ड्राइव अबिलिटीज दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू एंड दिस इज द मोस्ट केपेबल ऑप्शन फॉर यू नाउ इफ आई हैव टू गेट इन साइड फ्रंट डोर जो है वो इतना ओपन अप हो जाता है एंड फॉर माई हाइट इफ आई डिरेक्टली वॉन्ट टू गेट इन द केबिन इट इज क्लाइंब बट आई कैन स्टिल डू दैट मेकिंग यूज ऑफ दिस ग्रैब हैंडल तो इसे आप ग्रिप कर सकते हो जब आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना है स्पेशली इफ यू आर स्टक समवेयर वाइल ऑफ रोडिंग यू कैन ऑल्सो यूज इट टू गेट आउट इफ यू वॉन्ट अदरवाइज आपको ये वेरी यूजफुल वेरी थॉटफुल साइड स्टेप भी मिल जाता है और इस पे पैर रख के तो आप काफी आसानी से इस स्कॉर्पियो के अंदर आ सकते हो वन वेरी थॉटफुल फीचर एडिशन ओवर हियर इज दैट ये साइड स्टेप जो है इसके पास आप यहां पे देख लीजिए यू हैव दिस ब्लैक एंड आउट मटीरियल इसके वजह से आपके पैर इस बॉडी पे लगने की वजह से यहां पे आपको स्क्रैचेस नहीं नजर आएंगे सो वेन यू आर स्टेपिंग ऑन दिस साइड स्टेप यहाँ पे ये जो क्लैडिंग है इसके वजह से पेंट पे स्क्रैचेस नजर नहीं आएंगे सो दिस इज अ वेरी थॉटफुल फीचर इन माय ओपिनियन एंड चेक दिस आउट इवन वाइल गेटिंग आउट यू कैन सिंपली स्टैंड ऑन दिस साइड स्टेप एंड गेट आउट ऑफ दिस सिक्स सीटर और सेवन सीटर विच एवर सीट ले आउट यू बाय ऑफ दिस स्कॉर्पियो एन नाउ चेक दिस आउट वन साइड स्टेप इन साइड

यहाँ पे आपको कंट्रास्ट स्टिचिंग भी नजर आएगी और यहाँ पे आप देख लीजिए आपको स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग भी नजर आएगी एंड इट इज वेरी नाइसली डन ज्यादा बड़ा ज्यादा अगली नहीं है इट इज गुड इनफ ओवरऑल आप देख लीजिए डैशबोर्ड पे जितना भी ये कॉफी ब्राउन सेक्शन है सॉफ्ट टच मटेरियल सो नो कॉस्ट कटिंग दैट द सॉफ्ट टच मटेरियल इज ओनली ऑन द ड्राइवर साइड इट लुक्स वेरी नाइस और ये जो डैशबोर्ड का बल्क है इसे ये काफी अच्छे से हाईलाइट करता है शो ऑफ करता है एंड इट डजेंट लुक टू बोरिंग एंड यू विल नोटिस दैट ऑन द सेंटर कॉन्सोल यू हैव दीज यू नो मेटालिक एलिमेंट्स सिल्वर फिनिश ओवर हियर यू हैव क्रोम एक्सेंट्स एज वेल और यहाँ पे काफ़ी सारा ग्लॉस ब्लैक भी है तो ये जो सेंटर कॉन्सोल है ये भी काफ़ी फैंटेस्टिक नज़र आता है एंड फॉर स्कॉर्पियो आई थिंक दिस लुक्स वेरी वेरी गुड अभी चलिए स्टेप बाय स्टेप फैशन में बात कर लेते हैं ये जो स्टेयरिंग व्हील है इट हैज अ फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है कोई कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग यहां पे नहीं है लेकिन आपको थंब कॉन्टूर्स मिल रहे हैं यू हैव द न्यू ट्विन पीक्स महिंद्रा लोगो इन द सेंटर एंड यू विल नोटिस ये जो आपको बटन दिए गए हैं ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड फॉर योर इंफोटेनमेंट एंड ऑन दी राइट हैंड साइड फॉर क्रूज कंट्रोल एंड फॉर योर एम ये जो बटन हैं द प्लेसमेंट इज आइडियल बटन्स काफी बड़े हैं तो इन्हें ऑपरेट करना काफी आसान है एंड दे डोंट फील टू चीप ईदर सो आई रियली लाइक इट नाउ व्हेन यू लुक एट द स्पीडोमीटर क्लस्टर ऑफ दिस न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन चेक दिस आउट एनालॉग स्पीडोमीटर एनालॉग टैकोमीटर और बीच में आपको एक बड़ा सा कलर्ड एम दिया गया है देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन कंज्यूम ओवर योर सो चेक दिस आउट You have your fuel info, you have your digital speed readout, you have your vehicle info, navigation bhi aap yahan pe check out kar sakte ho by the way, so that is pretty cool. Then you can go to settings, settings में जाके आप काफी सारे changes यहाँ पे कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको driver drowsiness detection भी मिल जाता है and check this out. Alert history में जब आप जाते हो, so you will notice that इफ़ एट ऑल योर टायर प्रेशर इज़ नॉट आइडियल तो टी पी एम एस की वार्निंग आपको यहाँ पर नजर आएगी वी हैव चेंज्ड द टायर प्रेशर वी ड्रॉप्ड इट एक्चुअली सो दैट वी कुड हाईलाइट दिस ओवर योर राइट नाउ एंड देन अगर सर्विस ड्यू होगी तो वो भी रिमाइंडर आपको यहाँ पर नजर आएगा आफ्टर दैट यू विल नोटिस ड्राइव इन्फो में आपको दो ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे यू विल हैव अ क्लॉक एंड यू विल हैव योर ड्राइवर अटेंशन लेवल डिटेक्टेड ओवर योर देन वेन यू मूव टू फ्यूल इन्फो फ्यूल इन्फो में यहाँ पर आपको माइलेज नजर आएगा रेंज नज़र आएगा एंड यू विल ऑल्सो हैव योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्लेड ओवर देर एंड यू विल ऑल्सो हैव योर डी ई एफ लेवल डिस्प्लेड ओवर योर इसे आपको टॉपअप करना होगा बिकॉज दिस इज अस सिक्स कंप्लाइंट डीजल पावर्ड महिंद्रा स्कॉर्पियो एन द नेक्स्ट फंक्शन इज डिजिटल स्पीड सेल्फ एक्सप्लानिटरी इस तरह से यह नज़र आएगा And you can turn off this illumination of the speedometer cluster, the analog dials. So ka illumination aap bandh karke sirf digital display ko yaha pe dekh sakte ho. Check it out. I am going to switch it back on. So quite nicely done, isn't it? And that is pretty much it. सभी ये जो फंक्शन हैं इन्हें टॉगल करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाड़ी चलाते समय भी इट इज़ जस्ट दैट द सिस्टम फील्स अ लिटिल स्लो इट कुड हैव बीन अ लिटिल फास्टर देन वॉट इट इज राइट नाउ यहाँ पे आप देख लीजिए एम्बियन टेम्परेचर इंजन टेम्परेचर फ्यूल गेज क्लॉक अभी अगली चीज जो मुझे आपको यहाँ पे दिखानी है उसके लिए पहले मुझे आपको एक बटन दिखाना होगा चेक दिस आउट आपको डीजल वेरिएंट्स के साथ ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं डीजल टू व्हील ड्राइव वेरिएंट्स के साथ ही आपको ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं व्हेन यू प्रेस दिस यू हैव एन ऑप्शन ऑफ जिप जैप एंड जूम मोड्स आपको इन्हें टॉगल करने के लिए ये बटन जो है इसे प्रेस करते रहना होगा एंड वेन यू मूव टू जिप मोड चेक दिस आउट इस तरह से आपको उसका एनिमेशन नजर आएगा एंड जस्ट चेक इट आउट ये कलर्ड एक्सेंट जो है दे आर नाउ ब्लू

ये मोड जो हैं इन्हें जब आप चेंज करते हो स्टेयरिंग व्हील का फील और फीडबैक भी चेंज होता है सो डू टेस्ट ड्राइव दिस न्यू स्कॉर्पियो एन टू फाइंड इट आउट एंड द डिफरेंस इज नोट वर्दी सो यू नो इट इज ईजी टू मेक नोट ऑफ इसके बाद आप देख लीजिए ये जो राइट हैंड साइड कंट्रोल स्टॉक है दिस इज गोइंग टू ऑफर यू ऑटोमेटिक हेड फॉग लैम्प्स भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड यू विल नोटिस यू गेट ऑटोमेटिक वाइपर्स एज वेल एंड यू नो आपको इंटरमीडियट सेटिंग्स भी यहाँ पर मिलने वाली है एंड दिस इज फॉर योर रेयर वॉश एंड वाइप टू द राइट हैंड साइड ऑफ द शेयरिंग व्हील यू विल नोटिस यू गेट द इंजिन स्टार्ट स्टॉप बटन काफ़ी आइडियल प्लेसमेंट है इसे रीच आउट करना काफ़ी आसान है इसके नीचे यू गेट दी हेडलैम्प लेलर स्विच एंड यू गेट अ बटन फॉर योर पार्क असिस्टेंस तो इसे भी आप बंद कर सकते हो अगर आप चाहो and then you will notice that over here you have a tweeter and on the driver door these are your controls pretty standard इसमें कुछ खास बात नहीं है यहीं से आप इस गाड़ी के एक्सटीरियर मिरर्स जो हैं विंग मिरर्स जो हैं इन्हें कंट्रोल कर सकते हो and check it out you can also fold them while driving very quickly if you are in a tight situation where you know the road is not wide enough डोर ओपनिंग लीवर जो है सैटिन सिल्वर फिनिश और ये जो ग्रैप बार है इस पर भी आपको सैटिन सिल्वर फिनिश मिल रही है डोर भी आप देख लीजिए यू गेट द ब्राउन थीम स्क्रैची हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट टच मटेरियल कंट्रास्ट स्टिचिंग और यहां पे आपको बॉटल होल्डर के साथ साथ और भी चीजें रखने के लिए स्टोरेज स्पेस मिल रही है हैव अ लुक एट दिस this is your grab handle when you want to get in and out of this scorpio n very quickly check this out ye hai is gaadi ki key the twin peaks logo flip type key nothing fancy and it is just about okay I am going to keep it over here अभी बात करते हैं इस सेंटर कंसोल की सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस गाड़ी के साथ आपको सोनी का सराउंड साउंड सिस्टम मिल रहा है It sounds fantastic. महिंद्रा के स्कॉर्पियो का ये जो म्यूजिक सिस्टम है इट इज़ वेरी इमर्सिव और ये आपको बहुत पसंद आने वाला है सोनी की ब्रैंडिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो एंड दिस इज़ द स्पीकर कट आउट तो यहाँ पर आप भगवान की मूर्ति नहीं रख पाओगे सो दैट इज अने नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस फीचर भगवान की मूर्ति आपको यहाँ पर इस स्पीडोमीटर क्लस्टर के डोम पर फिट करनी होगी या यहाँ पर पैसेंजर साइड पर फिट करनी होगी ये जो सेंटर कौनसोल है यहाँ पे जो सिल्वर फिनिश है ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है क्रोम टच जो है उसके वजह से भी ग्लॉस ब्लैक और इस सैटेन क्रोम के बीच में आपको बढ़िया सा डिफ्रेंसीशन मिल जाता है और ये जो ए सी इवेंट्स हैं यहाँ पर भी आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं ए सी इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं सो इट इज़ वेरी ईजी टू डिरेक्ट एयर फ्लो ऑन योर बॉडी एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस अभी इस गाड़ी का ये जो टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट है टच रिस्पॉन्स जो है वो काफी बढ़िया है एंड यू ऑल्सो हैव नेविगेशन इन बिल्ट इस गाड़ी के साथ आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलने वाले हैं सो यू नो यू कैन मेक यूज ऑफ एलेक्सा एज वेल फॉर कनेक्टेड फीचर्स सॉरी आई डोंट नो दैट ऑफकोर्स यूल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो एंड देर आर अलॉट ऑफ इन बिल्ट एप्स एज वेल टू की जब आप इस स्कॉर्पियो एन के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो क्लाइमेट कंट्रोल जो है एयर कंडीशनिंग जो है वो भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो यू गेट ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद दिस न्यू स्कॉर्पियो एन एंड चेक दिस आउट ये है इस गाड़ी का फ्रंट व्यू कैमरा दिस इज अ वाइड व्यू राइट नाउ एंड आप सिर्फ फ्रंटल व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो और यू कैन गेट

ये जो डिस्प्ले है दिखता काफी अच्छा है लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे होंगे ये थोड़ा चौपी है थोड़ा लैग जरूर होता है एंड यू कैन ऑल्सो स्क्रीन शॉट एंड सेव अ पिक्चर इफ यू वॉन्ट इफ यू थिंक सम वन हैज पार्क डेंजरसली क्लोज टू योर व्हीकल एयर कंडीशनिंग का यहां पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले नजर आता है यू कुड टच दिस सेक्शन एंड द क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग जस्ट पॉप्टअप यहाँ पे आपको ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं दीज आर फॉर योर इन्फोटेनमेंट वेरी क्विकली एक्सेसिबल एंड आई रियली लाइक दिस नोल्ड पैटर्न आपको यहाँ पे दिया गया है फॉर दीज रॉकर स्विचेज सो इट फील्स गुड टू टच इसके नीचे आप देख लीजिए आपको इस गाड़ी के ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के बटन दिए गए हैं वेरी नाइसली साइज एंड प्लेस्ड सो यू कैन वेरी ईजीली ऑपरेटेड जब आप गाड़ी चला रहे हो आपको नज़रें हटा के इसे ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है Below that, you have other buttons, quick access buttons. One is for SOS emergency. This button is ho. Check this out you can press it to turn it off, and you can press it to bring it back on. Very useful. After that, you get a couple of buttons over here for your hill descent control, and this is for your. व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर योर स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड दैट एंटायर पैकेज दैट यू आर गेटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक्स किट ऑफ दिसकॉर्पियो एन नाउ अंडरनीथ चेक दिस आउट आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है वर्कस फ्लॉलेसली एवरी टाइम प्लेस योर फोन ओवरदर एंड इट स्टार्ट चार्जिंग कोई भी ड्रामा नहीं है कोई नॉन सेंस नहीं है यू हैव टू नॉर्मल यूएस बी चार्जिंग पॉइंट वन फॉर योर फोन कनेक्टिविटी एंड वन फॉर जस्ट चार्जिंग सो वेरी नाइसली डन और यहां पर आपको एक रबराइज पैड मिल रहा है तो आप इसे निकाल के भी साफ कर सकते हो इफ इट है लुक एट दिस गियर सिलेक्टर सिल्वर एक्सेंट्स आपको यहां पर दिए गए हैं यू हैव अ ग्लॉस ब्लैक पैनल ओवर योर एंड अपटॉप यू हैव लेदरेट मटीरियल थोड़ा सा क्रोम एक्सेंट भी यहां पर आपको नजर आने वाला है फील्स गुड एंड इट फिट्स इन योर हैंड जस्ट राइट शॉर्ट गियर स्टिक है एंड इट फील्स इनफ इसी गियर स्टिक का आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको टिप्टॉनिक फंक्शनैलिटी यूज करनी है उसका मतलब है अगर आपको मैन्युअली गियर चेंजेस करनी है जस्ट पुश दिस गियर स्टिक टू द लेफ्ट एंड देन मूव इट अप टू अपिफ्ट पुल इट डाउन टू डाउन शिफ्ट वेरी सिंपल एंड यू कैन मेक गुड यूज ऑफ दिस वेन यू वॉन्ट बेटर कंट्रोल ओवर दिन एंड गियर बॉक्स लेकिन आपको इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के साथ कोई पैडल शिफ्ट नहीं दिए गए हैं स्टेयरिंग व्हील पे आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इन एनी वेरियंट नॉट ऑन दी डीजल एटी नॉट ऑन दी पेट्रोल नाउ हैव अ लुक एट दिस सेंट्रल टनल कॉन्सोल यहां पे आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं सॉफ्ट टच मटीरियल अंडरनीथ सो यू नो नथिंग इज गोइंग टू रैटल ओवर आपको एक स्टैंडर्ड हैंड ब्रेक मिल रहा है

जब आप यहाँ पे कप फोल्डर एक्सेस करते हो यू हैव इनफ स्पेस और इसके नीचे ये जो स्टोरेज स्पेस आपको मिल रही है यू कैन स्टोर योर वॉलेट और योर की और सम अदर ओवर लेकिन ये बिन जो है ये ज्यादा डीप नहीं है इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा रूफ सेक्शन पे आप देख लीजिए आपको एक इलेक्ट्रोक्रोमिक इलेक्ट्रोक्रॉमिक व्यू मिरर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है एंड दिस इज अ मेजर मिस ऑन अ कार इन टूडेज डेट स्पेशली ऑन अ कार विच कॉस्ट ओवर टू मिलियन रूपीज मैनुअल डे नाइट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल रहा है यू हैव टू कैबिन लैंप्स ओवर हियर एंड दीज आर ऑफ द एलईडी टाइप और यहाँ पे जो आपको बटन दिया गया है दिस इज फॉर योर सन रूफ महिंद्रा का क्लेम है दैट दिस सन रूफ इज द वाइडेस्ट इन इट सेगमेंट बट इट इज नॉट अ ड्यूअल पे इन सन रूफ सो दैट इज मिस बट आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दिस बिकॉज एनी वे इंडियन वेदर कंडीशन जो हैं

पैसेंजर साइड पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ एलईडी डी एल्यूमिनेशन एंड सिंपली जस्ट क्लोज दिस एंड लाइट जो है वो भी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख लीजिए यू ऑल्सो हैव अ सन ग्लास होल्डर बाय द वे सो दिस ऑल्सो इज अ थॉटफुल फीचर एडिशन एंड इट हैज अइस सॉफ्ट फेल्ट लाइनिंग अंडरनीथ सॉफ्ट टच मटीरियल है यहाँ पे ताकि आपके सन ग्लासेज स्क्रैच ना हो और वो यहाँ पे रैटल ना करे रूफ सेक्शन पे आप देख सकते हो दीज आर योर स्पीकर कट आउट ऑन द रूफ फॉर दैट सराउंड साउंड इफेक्ट एंड दिस पॉसिबली इज योर माइक फॉर योर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सो दैट एनी वन कैन हियर यू बेटर नाउ हैव अ लुक एट दिस कैबिन सबसे पहले तो कैबिन थीम आप देख लीजिए ब्यूटिफुल वेरी क्लासी कॉफी ब्राउन इंटीरियर्स कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग परफोरेटेड लेदर सीट अ फुल एंड इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट इज वेरी वेल पैडेड एज वेल आपको काफी बढ़िया कम्फर्ट मिलने वाला है इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में एंड यू गेट एडजस्टेबल हेड रेस्ट एज वेल और लेटरल सपोर्ट जो है वो भी काफी अच्छा है सो इट इज गोइंग टू कीप यू इन प्लेस जब आप इस गाड़ी को तेज चलाने वाले हो सो योर पैसेंजर्स विल गेट गुड कम्फर्ट फॉर माई बॉडी टाइप इस सीट पर मुझे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है एंड ऑल दो ये साइड कॉन्टूर्स जो है ये जो साइड बोलस्टरिंग है ये ज्यादा प्रोमिनंट है फिर भी यहाँ पे काफी स्पेस है फॉर मी टू मूव अराउंड एंड इवन इफ यू आर ऑन दी लार्जर साइड यू विल हैव गुड स्पेस इन दिस ड्राइवर सीट ड्राइवर सीट पे अभी मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट इज अवेलेबल मेरी हाइट है फाइव फीट एट इंच एंड दिस फील वेरी गुड आई शोड यू दिस ग्रैब हैंडल यू गेट द सेम फॉर द फ्रंट पैसेंजर टू एंड गेटिंग इन एंड आउट इज ईजी the cabin is wide enough and two healthy adults in the front cabin you will not be elbowing each other at all because this is a nice and wide cabin of this new scorpio n and it feels very premium and i am very happy on the inside except for a few feature misses which i hope mahindra makes note of and just includes them when they officially deliver these cars to customers because

एंड सीट जो है इसे आप आगे पीछे काफ़ी आसानी से मूव कर सकोगे एंड विद दिस हाइट एडजस्टमेंट एवरी वन इन योर फैमिली विल फाइंड अ गुड कम्फर्टेबल कमांडिंग ड्राइविंग पोजिशन इवन एट द लोस्ट सीट हाइट यू गेट अ वेरी नाइस एंड कमांडिंग व्यू मुझे लोएस्ट सेटिंग पे भी बॉनेट दिख रही है एंड आई कैन वेरी इजिली गेज ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ दिस व्हीकल बिकॉज इवन द विंग मिरर्स आर क्वाइट लार्ज तो गाड़ी चलाते समय मुझे डर नहीं लगने वाला है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी मेन्यट इन साइड द सिटी यहाँ पे लंबर सपोर्ट एडजस्ट करने के लिए आपको ये रोटरी नॉब दिया गया है एंड इट गिव्स यू वेरी गुड सपोर्ट ऑन योर मिड बैक एंड लोअर बैक इसके वजह से भी आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे ऑन योर लॉन्ग ड्राइव ये इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरियंट है तो यहाँ पे आप देख लीजिए यू गेट अ जेनरस डेड पेडल एंड पेडल प्लेसमेंट जो है वो भी काफी अच्छी है एंड देर इज फिनोमिनल रूम फैंटेस्टिक रूम अवेलेबल फॉर यू इन द ड्राइवर फुटवेल एरिया बोनेट ओपन करने के लिए आपको ये लीवर यहाँ पे दिया गया है इट फील्स द लिटिल फिल्मी बट देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट बट टू रिलीज द फ्यूल फिलर कैप यू सिंपली हैव टू प्रेस द फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे कोई रिलीज बटन नहीं है जस्ट अनलॉक द वहीकल एंड दैट विल बी एक्सेबल सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट दिस ड्राइवर सीट फॉर माई हाइट एंड माई बॉडी टाइप एंड दिस फील्स कंफर्टेबल इस गाड़ी का ये जो स्टियरिंग कॉलम है से आप सिर्फ ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाओगे आगे पीछे ये नहीं होता है यू ओनली गेट टिल्ट एडजस्टमेंट नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एंड दिस फील्स कंफर्टेबल नाउ लेट्स गेट इन द सेकेंड रो ऑफ दिस वहीकल जो वेरियंट मेरे साथ है दिस इज द कैप्टन सीट ऑप्शन आप सेकेंड रो बेंच सीट ऑप्शन भी खरीद सकते हो सो टुडे आई हैव द सिक्स सीटर स्कॉर्पियो एन यू कैन ऑल्सो बाई सीटर स्कॉर्पियो एन टल इट इज अ बॉडी ऑन लैडर कंस्ट्रक्शन तो आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी यू कैन सिंपली स्टेप ऑन दिस साइड स्टेप एंड देन गेट इन साइड आई विश यहाँ पे भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता सो The elderly family members could have found it very easy to you know get that assistance because directly under bahar move karna even for my 5 feet 8 inch height, it is a bit of an effort because you sit high up in this Scorpio N. Check this out one more time when I get inside. This is how you will have to do it. So when I step inside and when I sit behind my ओन ड्राइविंग सीट पोजिशन चेक दिस आउट इतना लेग रूम यहाँ पर अवेलेबल है और फुटरूम जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है सो इवन दो दिस सीट इज एट इट्स लोएस्ट मुझे मेरे पैर सीट के नीचे मूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है एंड एज यू कैन नोटिस थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट गुड टू एंड आई कैन स्पेंड लॉन्ग आवर्स ओवर योर फॉर श्योर ये जो सीट बैक है इसे स्कूप आउट किया गया है आउट किया गया है जिसके वजह से आपको ये इतना बढ़िया नी क्लियरेंस मिल रहा है ऑल्सो यू विल नोटिस दैट यहाँ पे आपको स्टेज लाइक सीटिंग पोजिशन मिल रही है जिसका मतलब है फ्रंट सीट जो है वो थोड़े लोअर प्लेस्ड हैं ये जो सेकेंड रो कैप्टन सीट्स हैं ये थोड़े हायर प्लेस्ड हैं तो आप थोड़ा ऊंचा बैठते हो एंड यू कैन चेक इट आउट माई हेड इज क्वाइट हाई अप कम्पेयर टू दिस फ्रंट हेड रेस्ट अभी मेरी हाइट है फाइव फीट एट इंच दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट इज अवेलेबल एंड आई थिंक दिस इज गुड इनफ और अगर मुझे यहाँ पे हाथ रखना है तो ये जो डोर ट्रिम है इट इज रेलेटिवली फ्लैट टू सो आई कैन डू दिस एंड सिट जस्ट टू पोज इफ आई विश टू इस गाड़ी में आपको ये रियर रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलता है विथ अ कोट हुक इसके नीचे आप देख लीजिए डोर ट्रिम पे आपको ये सैटिन सिल्वर फिनिश मिल रही है

सबसे पहले तो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलता है एंड देन दिस कवर इज जस्ट नॉट स्टेइंग इन प्लेस एंड यू नो इट लुक राइट ऑन अ कार ऑफ दिस प्राइस एंड इन दिस सेगमेंट तो ये चीज जो है महिंद्रा शुड वर्क ऑन दिस सो दैट द प्रोडक्ट फिनिशिंग लुक्स टॉप नॉच रियर कैबिन के लिए आप देख सकते हो मैं कैप्टन सीट्स पे बैठा हुआ हूँ ये जो कैप्टन सीट है ये आगे पीछे मूव नहीं होती है इट ओनली रिक्लाइन वेन यू वॉन्ट इट एंड रिक्लाइन करने के लिए आपको यहाँ पे नहीं राइट हैंड साइड पे एक लीवर दिया गया है यू कैन चेक इट आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द सीट सो यू हैच ये रियरवर्ड मोस्ट लॉकिंग पोजिशन है एंड इफ आई लेट इट मूव बैक दिस इज द फर्स्ट लॉकिंग पोजिशन फर्स्ट लॉकिंग पोजिशन बाय द वे ज्यादा अपराइट नहीं है इस तरह से भी आप बैठ पाओगे इफ एट ऑल यू आर जेनरस सो दैट जेनरसो थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स गेट बेटर स्पेस बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स बट आई विश ये जो सेकेंड रो कैप्टन सीट है ये स्लाइड होती बिकॉज देर इज मोर देन इनफ लेग रूम फॉर मी एंड इफ इट मूव्ड आई कुड हैव रिलीज मोर स्पेस फॉर दी थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स एंड आई थिंक दैट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी बाय महिंद्रा ओवर हियर बिकॉज ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छी है फीचर्स काफी अच्छे हैं प्रैक्टिकलिटी काफी डिसेंट है एंड दिस शुड हैव बीन एडेड फॉर श्योर यहां पे आप देख लीजिए यू गेट दीस एसी वेंट्स इंडिविजुअल एसी ब्लोअर कंट्रोल आपको यहां पे दिया गया है ब्लोअर थ्री इज क्वाइट लाउड यू गेट अ यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट ये जो एसी का कंट्रोलर है इस पे आपको नॉल्ड पैटर्न मिल रहा है फील्स नाइस एंड प्रीमियम ए सी के आसपास आपको सिल्वर फिनिश मिल रही है एंड दीज टू ए सी यू कैन स्विच दम ऑफ अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिल रहे हैं और दोनों ही फ्रंट सीट्स के सीट बैक पॉकेट्स में आपको एक एडिशनल पॉकेट मिल जाता है अपना स्मार्टफोन पोजिशन करने के लिए सो दिस ऑल्सो इज अ वेरी थाटफुल फीचर नाउ अ लुक एट दिस कैप्टन सीट हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेम कॉफी ब्राउन विथ ब्लैक टोन थीम कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और यहाँ पे आपको ये आर्म भी मिल रहा है फॉर बेटर कंफर्ट आइसोफिक्स माउंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं फॉर योर चाइल्ड सीट सो दैट योर किड कैन स्टे पुट सिक्योरली एंड यहाँ पे आप देख लीजिए यू गेट अलईडी कैबिन लैम्प इवन फॉर द रियोर कैबिन लेकिन थर्ड रो कैबिन में भी आपको लाइट मिल रहे हैं आई विल शो दैट टू यू इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स अब ये जो सेक्शन है फ्लोर कंपार्टमेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ट्रांसमिशन हम्प नहीं है दिस इज़ वेरी नाइस एंड इट इज़ रेलिटिवली फ्लैट सो यू नो यू कैन मेक वेरी गुड यूज़ ऑफ़ द स्पेस अवेलेबल टू कीप सम स्टफ़ ओवर हियर अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी कर रहे हो एंड नाउ वेन आई सिट ओवर हियर विच इज गोइंग टू बी द मास्टर सीट जब आप शॉफर ड्रिवन तरीके से इस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हो लेट मी टेल यू दैट द स्पेस अवेलेबल ओवर हियर

लेकिन आज की तारीख में लोग कैप्टन सीट्स भी प्रीफर करते हैं एंड द स्पेस इज रियली गुड एंड द कैबिन इज वाइड इनफ काफी अच्छी लाइट कैबिन के अंदर आ जाती है आप देख सकते हो ग्लास सेक्शन जो है वो काफी जेनरस है इवन दो द ग्लास टू मेटल रेशियो इज केप्ट टाइट सो दैट ये एक प्रॉपर एस दिखाई देती है स्ट्रॉन्ग नजर आती है और एम जैसे नजर नहीं आती है अभी मैं बैठने वाला हूं इन द थर्ड रो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल ओवर देयर टू बी सीटेड इन दैट सीट अभी थर्ड रो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये जो कैप्टन सीट्स हैं इसके बीच में आपको स्पेस जरूर मिल रही है सो यू नो किड कैन इजिली वॉक ओवर यर वॉक थ्रू ओवर यर एंड आपको तभी सीट्स फोल्ड करने की जरूरत नहीं होगी अदरवाइज यू कैन वेरी इजिली चेक दिस आउट टम्बल दिस सेकेंड रो कैप्टन सीट और उसके बाद आप इस स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट बैक टू द थर्ड रो थर्ड रो में घुसने के लिए आपको यहाँ पे साइड स्टेप मिल रहा है प्रिटी स्टैंडर्ड लेकिन यहाँ पे भी आपको एक स्टेपिंग पॉइंट दिया गया है सो दैट यू गेट बेटर ग्रिप चेक दिस आउट वेरी थॉटफुल, अगर ये फ्लैट होता तो यहाँ पे आपका पैर फिसल जाता ये एक ग्रूवड पैटर्न यहाँ पे आपको दिया गया है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाएगी नाउ फॉर मी फॉर माई हाइट इफ आई हैव टू गेट इन साइड चेक दिस आउट आई डोंट हैव टू क्राउच टू मच बिकॉज गाड़ी काफी टॉल है बट देन वैन आई वॉन्ट टू गेट इन साइड आई विल हैव टू बेंड डाउन एंड देन सिट ओवर हेअर इन दर्ड रो नाउ दिस सीट लाइक आई मेन्शंड ये आगे पीछे मूव नहीं होने वाली है सीट बैक सिर्फ आप एडजस्ट कर पाओगे लेकिन यहाँ पे आप अपना पैर रिलीज करके जरूर बैठ सकते हो एंड फॉर द थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स आपको यहाँ पे देख लीजिए दो एडजस्टेबल हेड रेस्ट जरूर मिल रहे हैं एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हेड रूम दैट इज अवेलेबल इट इज अ लिटिल टाइट फिक्स्ड टाइप ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलते हैं एलईडी कैबिन लैंप यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स दिए गए हैं सराउंड साउंड सिस्टम जो है इस गाड़ी का काफी बढ़िया है सीट बेल्ट आप देख लीजिए यहाँ पे भी ये जो कवर है इट लुक्स अ लिटल टैकी फॉर अ कार एट दिस प्राइस टैग एयरबैग के मॉड्यूल्स यहाँ पे फिट किए गए हैं रियर क्वाटर ग्लास जो है वो काफी बड़ा है काफी अच्छी लाइट यहाँ पे आ जाती है इन साइड थर्ड रो सो यू वोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड ओवर हियर यू हैव अ स्मॉल स्टोरेज पॉइंट सो चेक दिस आउट पे आप अपना स्मार्टफोन रख पाओगे एंड ऑन द अदर साइड लेट मी शो यू पे भी आप अपना स्मार्टफोन रख पाओगे वेरी यूजफुल एंड यू हैव अ ट्वेल्व वोल्ट चार्जिंग पॉइंट ओवर हियर इन द रियर कैबिन सेकेंड रो कैबिन में आपको वो चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है ट इट ओनली ओवर हि यहाँ पे कोई कप होल्डर भी आपको नहीं दिया गया है सो दैट ऑल्सो इज अस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर एडेड वर्सिटिलिटी इन दर्ड रू नाउ स्पेस की अगर बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं जब बैठा हूं माइ नीज आर पॉइंटिंग अपवर्ड एंड नो था सपोर्ट और ये जो सीट बेंच है इट इज नॉट टू लॉन्ग इधर इसे लंबा बना भी नहीं सकते थे देडेंट है

आप किसी वीकेंड ड्राइव पे या फैमिली लंच या डिनर के लिए इस गाड़ी का जरूर इस्तेमाल कर पाओगे एंड एट दैट टाइम फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस आई थिंक एनी वन विल मेक पीस विथ इट ये जो थर्ड रो है बाय द वे यहाँ पे आपको कोई 50 50 स्प्लिट नहीं मिलता है इट इज़ अ फुल फोल्डिंग ऑप्शन दैट यू गेट फॉर दिस थर्ड रो सीट आई एम गोइंग टू शो दैट यू जस्ट इन अ फ्यू मोमेंट्स इतनी ही स्पेस आपको मिल रही है यू कॉन्ट रियली डू एनी थिंग अबाउट इट बीच में आप बैठ के पैर ऐसे स्ट्रेच जरूर कर पाओगे अगर आप पांच लोग इस गाड़ी में सफर करने वाले हो लेकिन तभी आपको हेडरेस्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिन द गुड थिंग इज दैट ऑल सिक्स पैसेंजर्स विल गेट अ थ्री पॉइंट सीट बेल्ट इन दिस स्कॉर्पियो एन अभी चलिए बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का ये जो टेल गेट है इट ओपन साइडवेज एंड चेक दिस आउट दिस इज़ द वाइडेस्ट दैट इट opens. आपको एक हाइड्रोलिक स्ट्रट भी यहाँ पे दिया गया है फॉर असिस्टेंस बिकॉज अदरवाइज इट वुड जस्ट बिकम टू हैवी ये जो इंटीरियर ट्रिम है इसे आप देख लीजिए किस तरह से इसे आउट किया गया है ताकि आपको सामान रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल सके लेकिन फिर भी स्पेस जो है वो काफ़ी कम है दिस इज़ जस्ट वन बैक पैक दैट यू कैन प्लेस ओवर योर दो या तीन बैग पैक्स आप यहाँ पे शायद ही स्टफ कर पाओगे अगर इसके ऊपर आप कुछ रख देते हो और तभी जब आप टेल गेट ओपन कर लोगे और बैग्स आर गोइंग टू फॉल आउट सो बूट स्पेस विथ ऑल सीट्स अप नॉट गुड इनफ इसका आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे बट देन अगर आप छः लोग बैठ के कहीं जा रहे हो यू आर नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग विद अ लॉट ऑफ लगेज एनी वे बिकॉज द थर्ड रो पैसेंजर्स आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद द स्पेस अगर आप ये थर्ड रो जो है इसे फोल्ड करना चाहते हो यू कैन डू दैट वेरी ईजीली उसके लिए आपको एक स्ट्रैप यहाँ पर मिल रही है यू सिंपली हैव टू पुल दिस स्ट्रैप एंड दिस विल फोल्ड एंड चेक दिस आउट सेकेंड रो में जो लेफ्ट हैंड साइड सीट है वो टम्बल फोल्ड होती है राइट हैंड साइड सीट जो है वो सिर्फ फोल्ड होती है टम्बल पूरी तरह से नहीं होती है लेकिन ये जो थर्ड रो है ये आप पूरी तरह से टम्बल कर सकते हो सो यू हैव वन मोर स्ट्रैप दिस थिंग इसे आप पुल करके इस सीट को इस तरह से टम्बल कर सकते हो एंड देन हैव अ लुक एट दिस इतनी स्पेस आपको मिल रही है इन द बूट सेक्शन इफ यू वांट टू कैरी एक्स्ट्रा स्टफ एक्स्ट्रा लगेज चेक दिस आउट आपका ये जो सेफ्टी ट्रायंगल है किस तरह से कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पोजीशन किया गया है एंड देन यू कैन कैरी टू टू थ्री मीडियम साइज बैग्स वेरी इजीली ओवर स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द यू कैन ऑल्सो कैरी टू और थ्री लार्ज साइज सूट केसेज एंड यू कैन यूज़ द स्कॉर्पियो एन फॉर योर एयरपोर्ट रनज एज वेल सीट्स को आपको फिर से पोजिशन में लाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है येस दे आर हैवी बट देन यू वॉन्ट वर्सटिलिटी डोंट यू एंड अंडरनीथ दिस इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है देर इज़ नथिंग दैट यू आर गेटिंग अंडरनीथ दिस बूट फ्लोर इस गाड़ी का जो स्पेर व्हील है वो ऑन दी आउट साइड पोजिशन किया गया है सो so यहीं से आपको इसे निकालना होगा रिलीज करना होगा एंड देन यूल द पंक्र व्हील ओवर योर सो यूल है पंक्चर थर्ड रो कैबिन की अगर बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे यू अगेन हैव योर साउंड सिस्टम स्पीकर कट आउट्स द थर्ड रो सीट बेल्ट एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको दिखा दिया है यू गैट अ चार्जिंग पॉइंट एंड यू हैव योर जैक इंफॉर्मेशन तो जैक जो है वो यहाँ पे पोजीशन किया गया है लेट मी ट्राई एंड ओपन इट क्वाइट हार्ड टू गेट इट आउट एंड चेक इट आउट दिस इज द जैक दैट यू गेट वेन यू वॉन्ट टू यू नो फिक्स योर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। सो दैट इज मच इट। आप देख सकते हो इस टेल गेट पे ऑन द इन साइड कोई आपको लगेज नेट भी नहीं मिल रही है दिस इज ऑल द स्पेस दैट यू गेट इन द थर्ड रो Behind the third row seat of the Scorpio N, one thoughtful addition is that, check this out. यहां पे भी आपको ये dual tone effect नजर आएगा। तो जब आप tailgate बंद कर देते हो, ये गाड़ी का जो metal frame है, इस tailgate का जो metal frame है, ये ज्यादा body color on the inside show नहीं करेगा। So that will ensure that this car feels like it is well put together and everything is well thought of. सो गाइज लेट मी नो कैसी लगी आपको ये नई 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन क्या आप ये एस यू वी खरीदना पसंद करोगे कंपेयर टू दी हिंडा कियाटा हैरियर टाटा सफारी एंड जस्ट अबाउट एनी अदर एस यू वी इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज यू कैन ऑल्सो कंसिडर द जीप कंपल्स इफ यू लाइक एंड ऑल्सो द महिंद्रा एक्स यू द प्राइस डज ओवरलैप फॉर अ फ्यू वेरियंट्स ये एक प्रॉपर ऑथेंटिक एस यू वी है बॉडी ऑन लैडर कंस्ट्रक्शन